आगरा बिशपुरी रोड स्थित अवंती बाई क्रिकेट स्टेडियम पर डे नाइट सर्राफा क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। दिनांक 18 सितंबर दिन सोमवार को आयोजित क्रिकेट मैच में चौके छक्कों की बरसात देखने को मिली। टूर्नामेंट में सोमवार को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। नमक की मंडी सर्राफा कमेटी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में चांदी कारोबारियों में क्रिकेट का नया रोमांच लेकर आया। मैदान पर सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले गए। टूर्नामेंट में खेले गए मैचों में पहला मुकाबला वीर मराठा और बंगाल 92 के बीच खेला गया, जिसमें वीर मराठा ने 92 को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरी ओर मैच में सिल्वर लॉयंस ने गोल्ड केवीएन को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच में सिल्वर लॉयंस और वीर मराठा के बीच खेला गया। सिल्वर लॉयंस की टीम ने 10 रन अंतराल से मैच जीतकर विजय श्री हासिल की। मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर केशव देव चौधरी ने क्रिकेट मैदान पर हाथ आजमा कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। आज अवंती बाई क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें 4 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और आज ही इसका समापन भी होना है। अभी भी 2 टीमें खेल रही हैं और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन हो रहा है। मैं सभी टीमों के जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उनसे कहना चाहूँगा कि वो बढ़िया से अपना खेल का प्रदर्शन करें, बढ़िया से खेलें, टीम भावना का परिचय दें और हार जीत को बहुत ज़्यादा उसको पर ध्यान ना देकर जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दें। साथ ही में जो आयोजन समिति हैं उनके पदाधिकारियों को भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी एक अच्छे खेल को देखने का मौका मिल रहा है। साथ ही इनके द्वारा ये जो आयोजन हो रहा है इससे खेल के प्रति लोगों की भावनाएँ, जनपदवासियों की भावनाएँ विकसित होंगी। शरीर की स्वस्थता बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वह उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा हर क्षेत्र में भी। और खेल से रिक्रिएशन भी होता है, मनोरंजन भी होता है और एक जो है अच्छा वातावरण रहता है, मनुष्य की क्षमता विकसित होती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। राजू मेहरा सामने देख के बात राजू मेहरा अध्यक्ष एसोसिएशन। टूर्नामेंट है, क्या मैन उद्देश्य है पूरे टूर्नामेंट को कराने का? उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि व्यापारी अपने व्यस्तम उसमें से थोड़ा सा हंसी खुशी और एक खेल भावना से भाईचारा बढ़ाने के लिए एकजुट हों, मैदान में आए और थोड़ा सा एक जो दिन भर की भाग दौड़ और व्यस्तता रहती है उससे निकल के जीवन का आनंद। मोहम्मद वर्मा इस कार्यक्रम का संयोजक और नमक मंडी सर्राफा कमेटी जो है उसका महामंत्री। इस तरह का पूरा कार्यक्रम, कितनी टीम उन्होंने प्रतिभाग किया है और क्या पूरी रूपरेखा है? रूपरेखा ये है कि हमने पूरी 4 टीम रखी हुई है, चारों के चारों टीम हमारी नमक की मंडी सर्राफा कमेटी की है, सर्राफा बाजार की है। सारे जितने भी खिलाड़ी हैं सब व्यापारी हैं, दुकानदार हैं नमक मंडी के अंदर के, और सभी ने मिलकर एक मैच रखा हुआ है जिसमें से जो 2 टीमें हैं, एक मराठा टीम है और एक बंगाल टीम है, जिसमें सारे बंगाली लोग हैं जो कि अपने वेस्ट बंगाल से आके यहाँ पर काम करते हैं, और महाराष्ट्र से जो आए हुए हैं वो वीर मराठा टीम है, बाकी जो 2 टीम है वो अपने बाजार की टीम है। तो इस तरीके से 4 टीम का जो हमने डिवाइडेशन रखा है तो वो चीज़ रखी गई है। चारों टीमों का मैच एक ही दिन में रखा गया है और चारों टीम जैसे कि पहले आपके वीर मराठा और बंगाल खेली टीम उसमें जो आपकी जो मराठा टीम है वीर मराठा वो जीती टीम, और उसके बाद जो अब जो सेकंड मैच है ये वो सेकंड मैच में चल रही है, मैच आपका इनिंग में चल रहा है। किस तरह का खेल देखने को मिल रहा है अगर खेल की बात करें? बहुत ही उमदा खेल रहे हैं सब लोग और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, इससे पहले सब लोग खेल चुके हैं और सब लोग परफेक्ट प्लेयर भी हैं।